लेट्स सी खाना कैसा है, जायका कैसा है इनका। मैंने आज वेजिटेरियन है क्योंकि वैष्णव ढाबा है ये। बड़े दिनों से ना मैं तारीफ सुन रहा था एक ढाबे की। उस ढाबे का नाम है सतीश ढाबा। ये आईपी एक्सटेंशन में है और आज मैंने कुछ खाना पैक करा है एंड लेट्स सी इनका खाना कैसा है, देखते हैं और एक ऑनेस्ट जो सच्चाई है वो आपको बताते हैं। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है तो ध्यान रखें ज़रा, इनका खाना खा के बताएं। तो मैंने यहाँ से लिया है एक पनीर बटर मसाला, एक दाल मखनी, दो मिस्सी रोटी और एक लच्छा पराठा। इनकी दाल मखनी की सबसे बढ़िया बात ये लगी कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मक्खन या क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया गया। और पनीर बटर मसाला में भी मिर्ची और नमक का बिल्कुल सही अनुपात में इस्तेमाल किया गया है। वैसे आप चाहें तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं ट्राई करने के लिए और रेट्स भी बड़े ही रीजनेबल हैं। मैं टेस्ट कर रहा हूँ सतीश ढाबे का ये खाना जिसमें दाल मखनी है और पनीर बटर मसाला है। एक बार टेस्ट कर लूँ फिर ज़रा आपको इसका असली जो जायका है वो बताता हूँ। तो इनकी दाल मखनी की जो सबसे खास बात है ना वो ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा बटर नहीं है। कई लोगों को लगता है अगर दाल मखनी में पेल के बटर डाल दिया जाए ना या उसमें घी बहुत ज़्यादा हो जाए तो दाल जो है ना वो बहुत ही ग्रेट दाल हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बेसिकली हम पहाड़ में या हिमाचल में या पंजाब में लोग इस दाल को बहुत खाते हैं और जितना इसे आप काढ़ के बनाते हैं ना उतना ही बेहतर इसका स्वाद होता है, ना कि सिर्फ घी या मक्खन पेल देने से इसको स्वाद बढ़ जाता है। तो दाल मखनी तो इनकी बहुत अच्छी है। दूसरा अगर बात करूँ इनका पनीर बटर मसाले का तो इसका जायका भी लाजवाब है। तो अगर आप कोई वैष्णव ढाबा ढूंढ रहे हैं और आप प्योर वेजिटेरियन हैं और खाना चाहते हैं एक बेहतरीन दाल और पनीर बटर मसाला तो सतीश ढाबे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आईपी एक्सटेंशन में, मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में, और खाना बहुत शानदार है इनका। अभी आप जाके वहाँ खुद भी खा सकते हैं। तो बाकी जो है हम खाने का आनंद लेते हैं, आप वीडियो का आनंद लीजिए। पहली जैसे मैं बोलता आया हूँ ये रिव्यू नहीं होता, ये सच्चाई होती है क्योंकि ना तो हम खाने के लिए किसी से पैसे लेते हैं ना किसी को पैसे देते हैं। धन्यवाद।